लगातार 3 दिनों से बनारस में बारिश हो रही है। बारिश होने के बाद आज मौका मिला है थोड़ा बाहर निकलने का। दिन है आज संडे और अभी मैं आ चुका हूँ आंध्रपुर। तो दिस इज़ मोहम्मद एहसान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी इन क्रेजी। और बारिश के बाद बनारस में कुछ जगहों पर क्या बेहतरीन आलम है। इट मीन्स ऐसा है कि पानी का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा ना होने की वजह से वहाँ पानी बहुत ज़्यादा लग गया है, और ज़्यादा लग जाने की वजह से उसका आलम कुछ हद तक अगर आप सामने व्यू देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा होगा। और ये आंध्रपुर में तो हर बार रहता है, जब भी बारिश होती है तो पानी नहीं निकल पाता। तो मैं भी आज आया हुआ हूँ, मैं भी ट्राई करता हूँ, देखते हैं हमारी गाड़ी यहाँ से निकल पाती है नहीं निकल पाती है। क्योंकि कई गाड़ियों को तो मैं देख रहा हूँ फंस गए हैं, रुके हुए हैं, और सामने वाले की हिम्मत देख के हम भी देखते हैं हिम्मत करते हैं निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। अगर गाड़ी बंद हो जाएगी तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा, तो उम्मीद करते हैं कि गाड़ी बंद ना हो। तो देख रहे हैं, कुछ देर तक वॉच करते हैं, फिर डिसीजन लेंगे कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए यहाँ से। यहाँ से जाने में नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। तो खड़े हैं, ये आपकी महानगरी एक्सप्रेस जो कि सुबह 4 बजे आती है वाराणसी, ये अभी आ रही है 9 बजे, एटलीस्ट 5 घंटे लेट से आ रही है। बारिश की वजह से हो सकता है इसे भी लेट हुआ हो, दिक्कत हुई हो, क्योंकि भी बारिश तो सब जगह हो ही रही है, खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश बहुत ज़्यादा है, तो देखते हैं। और मौसम विभाग ने भी बता रखा है कि बनारस और पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास के बीच में 36 घंटे तक बारिश का बहुत ज़बरदस्त अनुमान है। तो अब वो 2 दिन तो बीत चुके हैं, फ्राइडे और सैटरडे, आज है संडे, और ये ऑटो वाला फंस गया है स्टंटबाजी करने में और हम नहीं फंसना चाहते हैं, तो हम चल रहे हैं किसी और रास्ते से। हैं ये है घेवसाबाद, चलते चलते हैं देखते हैं। और खैर बारिश हो जाने के बाद लगातार अगर 36 घंटे किसी भी शहर में बारिश हो तो वहाँ पे हालत ख़राब हो सकती है, पानी की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और गंगा वरना नदी में वैसे भी पानी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इस सीज़न में ऐसा हुआ है कि बारिश आई है फिर गई है, फिर आई है फिर गई है, तो नदियों में पानी का बढ़ाव बढ़ता गया। और ये हमारे कुछ दोस्त होंगे जो मुंबई से बनारस आ रहे होंगे, आप देख सकते हैं इस ट्रेन, ये घोसाबाद है, यहाँ पे गाड़ी वाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स वगैरह फोर व्हीलर के सामान मिलते हैं। ये सनराइज, चौकाघाट में वाटर ड्रेनेज ठीक है, अभी मैं हूँ यह चौकाघाट पे, और यहाँ पानी नहीं रुका हुआ है, पानी निकल जा रहा है। देख रहे हैं ये दुर्गा पूजा की तैयारियां चालू हो गई हैं बनारस में, नवरात्र बहुत जल्दी ही चालू होने वाला है। ये सामने देख रहे हैं ये भी है दुर्गा पूजा पंडाल की तैयारी के लिए, ये पूरा लकड़ी का आप देख रहे हैं काम चल रहा है। और ये जगतगन का भी पंडाल काफ़ी फेमस है, आगे हम आपको दिखाते हैं। ये अफवा मार्केट का दुर्गा पूजा पंडाल है और अभी ये बन रहा है, और हर जगह की हर पंडाल्स की अपनी एक थीम होती है, वो उस थीम पे कुछ बनाते हैं, जो जब कंप्लीट हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि किस थीम पे बन रहा है। सच में मतलब गजब असर हुआ है, मैं मान नहीं सकता, सच में मतलब बरसात का बहुत मौसम का बहुत ज़बरदस्त असर रहा है। ये एक ऐसा क्षेत्र है, खैर मैं सुबह के टाइम आया हूँ तो थोड़ा सा ये भी हो सकता है भीड़ नहीं है, तो दोपहर उपहर में तो यहाँ इतनी भीड़ हो जाती है कि पूछिए मत। तो मैं नहीं गया, ये नहीं सर, ये दाल मंडी जो कि अभी बंद है,
खाली रहती दाल मंडी तो अलग ही बात होती है, यहाँ खूब भीड़ रहती है। खाली दाल मंडी इसको कह सकते हैं, एकदम खुली हुई दाल मंडी, उस पर जा रहे हैं। आगे से निकल जाएंगे चौक पर, अंदर ही अंदर ये पूरा दाल मंडी है। देख लीजिए इतनी चौड़ी गलियाँ हैं दाल मंडी जो कभी दिखती नहीं है। आमतौर पर दाल मंडी के अंदर आप आएँगे तो इतनी भीड़ भाड़ रहती है कि मैंने कभी इतनी चौड़ी गली नहीं देखी है। लेकिन सी इतनी चौड़ी है कि एक फोर व्हीलर, दो फोर व्हीलर बहुत आराम से आ सकते हैं। लेकिन बनारस की जो दाल मंडी की गली है वो तो इसलिए फेमस है कि जब ये मार्केट चालू हो जाता है तो लोग इसमें रगड़ते हुए चलते हैं, इतनी जगह नहीं आती पैदल चलने की। ये आप देख सकते हैं कितनी चौड़ी है दाल मंडी की गली। इनके वक्त इस गली को पार करने में काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि इस पर इतनी भीड़ रहती है। ये पूर्वांचल का रिटेलर कह लो, होलसेल कह लो, कपड़े वे कॉस्मेटिक वे जूते हुए बहुत बड़ा मार्केट है। अभी तो हम आसानी से निकल के आ रहे हैं, कोई भीड़ भी नहीं दिखा। तो सुबह सुबह 9:30 बजे खुलती भी दाल मंडी, दाल मंडी खुलती भी है। तो अगर आप कभी आ भी रहे हैं तो 11 बजे के बाद आइएगा, क्योंकि सुबह सुबह दाल मंडी नहीं खुलती है, सुबह सुबह भी नहीं मिलेगी आपको। 11 बजे के आसपास आप आएंगे तो दाल मंडी का मार्केट आपको खुला हुआ मिलेगा। और ये हम निकल चुके हैं चौक पे, ये चौक है। और ये काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिसर जो बन रहा है, काशी विश्वनाथ धाम, ये उसका रास्ता है। वो तो आपको वाइट जो दिखा है वो है ज्ञान माता मस्जिद। पहले ये पूरा कवर्ड हुआ करता था लेकिन अब धीरे धीरे कॉरिडोर बन रहा है जो काशी विश्वनाथ धाम का, तो उसे दिखता है काशी विश्वनाथ मंदिर। यहाँ से काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास सुविधा केंद्र है। दिक्कत है अंदर ही चलो।
मैं आ गया हूँ चौकाघाट, और बस मैं ये मानसून में एक राइड करना चाहता था तो राइड करके आ चुका हूँ। बनारस की हालत बारिश के बाद कैसी है वो आपको दिखाया। अगर आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, टिल देन एंजॉय करिए। मैं सलाम कुम खुदा, सत श्री अकाल, नमस्कार।